इंग्लैंड के सन अखबार ने जब कॉल सेंटर से पर्सनल डेटा चोरी का खुलासा किया तो हंगामा मच गया। लेकिन डेटाबेस की सौदेबाजी का खुलासा कैसे हुआ, ये आप पहली बार टेलीविजन पर देख रहे हैं। कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव करण भारी को पता नहीं था कि वो जिन लोगों के साथ डेटा बेचने का सौदा कर रहा है वो सन अखबार के रिपोर्टर हैं। करण भारी रिपोर्टर को ऐसे लोगों की भी गोपनीय जानकारी देने वाला था जो इंग्लैंड के नामी बैंकों के कस्टमर थे। करण बाहरी ने अपने साथ लाए सैंपल डेटा की सीडी को होटल के बिजनेस सेंटर में ले जाकर दिखाया। एक मामूली मुलाजिम होने के बावजूद करण के पास कस्टमर्स की निजी जानकारियां थी, और हैरत की बात तो ये थी कि उसके पास एक नहीं इंग्लैंड के कई बैंकों के कस्टमर्स की गोपनीय जानकारियां थी। डेट ऑफ बर्थ, होम फोन नंबर, current address, yeah. Address 2 is the what's, what's address 2, this, if they got a second address, yeah. You can click on that and it'll come witness, you know. Do you get the full address, do you get, oh wait a minute, this is the full address, yeah, I get it, yeah. It's with the town they're in, yeah. Okay. Grey, Norfolk, UK, postcode, number of years at this address. Yeah. Okay. Do you get previous addresses, or? In some cases, yeah. Residential status is the owner, housewife, yeah. And bank, name of the account holder, account number, account short code, number of years with the bank, yeah. 5 years, 39 years. एक अच्छे सेल्समैन की तरह करण बाहरी ने कहा कि उसका लाया हुआ डेटा बिल्कुल सही और नया है। साथ ही उसने ये भरोसा दिलाया कि डेटा में जिन लोगों के नंबर हैं, अगर उन्हें बेहतर डील्स ऑफर की जाएं, तो वो किसी तरह की कोई शिकायत नहीं करेंगे। So if we bring her up, yeah, and ask her, she's not going to say, how did you get my number? It wasn't this call center. Then they go knock on the call center door and say, they usually don't. People don't have time. No. And people are getting better deals. करण ने यह भी यकीन दिलाया कि अगर इस डेटा में कुछ लोगों के नंबर और पते वगैरह बदल गए हों, तो वो उतने ही लोगों का नया डेटा दे सकता है। उसकी बातों से ये साफ जाहिर था कि उसके पास डेटाबेस की कोई कमी नहीं है। डेटा दिखाने के बाद अब बारी थी असली मुद्दे की, यानी डेटा के बदले डॉलर्स के सौदे की। Come on, let's talk money. Okay, I told, I believe we discussed this thing. Yeah. Per lead, I'm expecting 3.5 pounds. 3.5, so we're talking sterling. करण बाहरी का हिसाब पक्का था। उसने एक विदेशी कस्टमर के पर्सनल डेटा की कीमत रखी थी 3.5 पाउंड। सारी बातचीत के बाद करण से अगले दिन की मुलाकात तय की गई, इस वादे के साथ कि करण 1000 कस्टमर्स के डेटा की सीडी देगा और इसके बदले उसे तय रकम मिल जाएगी। अगला दिन, गुड़गांव की एक कॉफी शॉप। करण ने वादे के मुताबिक इंग्लैंड के 1000 कस्टमर्स का डेटा दिया और इसके बदले उसे दी गई हजार यूएस डॉलर्स की 5 गड्डी, यानी 2.5 लाख। इस पूरी लेन देन को खुफिया कैमरों ने बखूबी अपनी पैनी नजरों में कैद किया, लेकिन करण को कानूनी तौर पर मुजरिम साबित करने के लिए बकाया $500 को उसके बैंक अकाउंट में डालना जरूरी था, जबकि करण किसी भी तरह अपना अकाउंट नंबर देने को तैयार नहीं था। $500 shy. So we're getting $1,000 at $3 a day.
I can transfer funds from my account. Tax problem. Tax problem. Exactly. Tax problem for you. Yeah. Yeah. करण सौदेबाजी के इस सिलसिले को आगे भी जारी रखना चाहता था, इसलिए उसने ये भरोसा दिलाया कि वो जरूरत पड़ने पर और डेटा भी दे सकता है। लेकिन अब वो बड़ा सौदा करना चाहता था और इस बार उसे पैसे एडवांस में चाहिए थे। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जाल में फंस चुका है। But there are two issues. Yeah. A, I don't want to go with bulk numbers immediately. Yeah. Give me some time. Relationship will be that's one point. Second, big numbers I would require as well to advance payment. Yeah, I've got half, four and a half, that's fine. Exactly. These are the two conditions which I want. Okay, absolutely. Now we can trust each other. We can give you the money for half up front first and the second best on delivery. सन के इस अंडरकवर ऑपरेशन ने हंगामा मचा दिया। इस घटना से करण की कंपनी इंफिनिटी ई सर्च की साख खतरे में पड़ गई। कंपनी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और करण बाहरी के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया। After seeing the news reports, we are examining ourselves in detail the facts. करण बाहरी सन अखबार के खुफिया ऑपरेशन से बेखबर था और जब उसके सौदे का खुलासा हुआ तो वो लापता हो गया। इन्फिनिटी ई सर्च सेंटर ने अपने एग्जीक्यूटिव करण बाहरी को नौकरी से निकालकर मामले से छुटकारा पा लिया। लेकिन करण बाहरी के लाख दो लाख के लालच ने हिंदुस्तान में करोड़ों का कारोबार करने वाली BPO इंडस्ट्री की साख पर सवालिया निशान लगा दिया। BPO इंडस्ट्री करण बाहरी मामले को किसी बुरे सपने की तरह भूल गई। लेकिन इसके कुछ दिन बाद हुआ एक और अंडरकवर ऑपरेशन। इस बार जगह अलग थी, चेहरे अलग थे, लेकिन कहानी वही थी। ब्रेक के बाद पहली बार बेनकाब होगा एक ऐसा शख्स जिसके बारे में जानकर BPO इंडस्ट्री में फिर से हंगामा हो सकता है। Being a car.